हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एस सरकार ब्लॉग। मैं गीता, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ दिल से। और देखिए, सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मेरी छोटी सी फूल की, मतलब जो है गार्डन हो या जो भी, जिसमें देखिए कितनी ज़्यादा अच्छा अच्छा फूल खिला है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इधर देखिए एक फूल खिला है, और ये एक नया पेड़ पे नया पहली बार फूल खिला है। देखिए दोस्तों, कितना ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल बज चुका है 8 और मैं उठ के मेरे घर के सारे काम कर लिए हैं, और बर्तन वगैरह तो रात को ही धो के रख देती हूँ, इसीलिए ज़्यादा काम होता नहीं सुबह। वही घर का झाड़ू लगाना, आंगन का झाड़ू लगाना, नाश्ता वगैरह बना के पतिदेव को खिला के दुकान भेजना, ये सब हो गया है। अब फिर आज जल्द नहीं नहाऊँगी, अभी थोड़ी कपड़ा वगैरह है वो धो लूँगी। और चारों तरफ देखिए हरियाली है, तो दोस्तों थोड़ी कपड़ा है वो धो लूँगी मैं धोने के बाद। तो दोस्तों थोड़ी सी कपड़ा है उसे धुलाई कर लूँगी, धोने के बाद मतलब लंच वगैरह बना लूँगी। रोज़ नहाने के बाद खाना वगैरह पकाती हूँ, आज जल्दी ही नहा लूँगी, मतलब देर से नहाऊँगी। तो फिलहाल बज चुका है 8 और मैं अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय कहती हूँ, और मैं कपड़ा वगैरह निकाल लेती हूँ धोने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इधर से मेरे पति के मतलब सब कुछ बिखार के चले गए हैं, उनका रोज़ का आदत है ये कपड़ा वगैरह इधर उधर खोल के फेंकना, और अल्लाह की भी हालत ख़राब करना उनका आदत ही है। तो दोस्तों शायद ये सब भी धोना पड़ेगा, ये सब भी धोना पड़ेगा, और बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ। टाटा। तो दोस्तों फाइनली मैं लग चुकी हूँ मेरे काम पे, और इधर देखिए आज बहुत ही ज़्यादा काम है मेरा, तो मतलब पता नहीं मेरा हालत आज क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा काम है आज मेरा। तो फिलहाल मैं लग चुकी हूँ मेरा जो बेड कवर, और बेड कवर के नीचे भी एक मतलब क्या है इसे, क्या कहते हैं आप लोग, मुझे मालूम नहीं। तो ये एक कप मतलब साड़ी वगैरह से सिलाया हुआ है, वो भी दोनों निकाल ली। फिर ये जो ब्लैंकेट का कवर है ये सब भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे ब्लैंकेट में मतलब कवर लगाने से ब्लैंकेट मतलब गंदा नहीं होता है, और कवर निकाल के धो देने से फिर से अच्छा होता है। तो इसीलिए इससे मतलब ब्लैंकेट भी नया रह जाता है, और थोड़ी सी मतलब मोटी भी हो जाती है, अच्छा होता है। तो इतना जो मोटा ब्लैंकेट धोने से तो मेरा कमर ही टूट जाएगी, इसीलिए मैं ब्लैंकेट वगैरह निकाल के धूप में दे दे रही हूँ, दोनों ब्लैंकेट निकाल के। और जो मैंने नहीं निकाला है वो मैंने पहले कुछ दिन पहले धो के रखी थी मैंने, और इसीलिए वो नहीं धोने वाली। दो पिलो कवर और एक ब्लैंकेट का कवर पहले मैंने धो के रखी थी, इसलिए वो सब नहीं निकाली है। और ये दोनों जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको मतलब निकाल के धूप में दे रही हूँ, और धूप में देते रहती हूँ हर रोज़, तो आज निकाल के दी हूँ। और बाकी कवर मैंने निकाल ली है धोने के लिए, और थोड़ी कुछ मेरे साड़ी वगैरह भी है, उनके कपड़े भी है, और ये सब मैं निकाल के धोने के लिए ले जा रही हूँ। और थोड़ी सी कपड़ा इधर गिर गया है, ये भी मैं अब उठा के ले जाऊँगी। अब कपड़ा धोने के लिए मैं लग चुकी हूँ, और पूरा मतलब कपड़ा धोना दिखाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए। और ये जो देखिए, ये मतलब बहुत ही मतलब धोने के बाद ये बहुत ही भारी हो गई है, इसे मैं हाथ से नीचे मतलब निचोड़ सकती, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट सुखा के मतलब बांस में डाल के इसे अब निचोड़ के पानी निकाल रही हूँ, तो इससे मतलब आसान हो जाता है। अगर दो आदमी होते तो इसे मतलब निचोड़ना आसान होता, तो
तो दो आदमी है नहीं इसीलिए मैं इसे, और सुबह सुबह कपड़ा धोने का मतलब मज़ा ये है कि जल्दी सु... और दोस्तों मैंने सोचा था कि कप खाना साना बना के नहाऊंगी, लेकिन मैं कपड़ा धोते धोते भीग गई हूँ इसलिए नहा लूँगी पहले। तो दोस्तों फाइनली देखिए 10 बज चुका है, मैंने कपड़ा वगैरह धो के आके नहा धो के आ गई हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ, मतलब रोज का जो होता है वही सब हो गया है। और अभी मुझे बनाना है खाना, और खाना बनाने की बात क्या करूँगी मालूम नहीं, और ठंड भी लग रही है, यहाँ थोड़ी सी धूप पड़ती है, बहुत ही अच्छा लगता है धूप में खड़ा होने से, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे अभी। तो दोस्तों मैं अभी खाना बना लेती हूँ, बाद में आप लोगों से बातें करूँगी। बाय। तो दोस्तों इधर से गर्म पानी चढ़ा दी है मैंने मेरे पतिदेव के लिए, और इधर मेरे पतिदेव मछली भेजे है, आज मछली का फिर से वही आलू फूल गोभी का सब्जी बनाऊंगी मछली के साथ, या कुछ अलग बनाऊंगी। देखो तो दोस्तों मैं मछली वगैरह धो के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। तो दोस्तों इधर से लग गई हूँ मैं, गर्म पानी चढ़ाया है मतलब मेरे पतिदेव के लिए, पहले भी बताया है आप लोगों को। और इधर से मछली मैंने धो के ले आई हूँ, अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद मतलब सब्जी वगैरह बनाऊँगी। और दोस्तों एक बात बोल दूँ आप लोगों को, तो मेरे पतिदेव अभी आ चुके हैं और वो नहा रहे हैं, तो अभी तक 12 नहीं बजा है, 10 बजा है, तो वो मतलब आज बाल वगैरह काट के आए हैं इसीलिए अभी नहा रहे हैं, तो वो खाना खा के जाएंगे, अभी 10 बज चुका है और नहाएंगे इसीलिए थोड़ी सी खाना खा के जाएंगे, इसलिए मैंने झटपट उनके लिए थोड़ी सी सिर्फ मसाला डाल के मतलब सब्जी मछली का सब्जी बना के दे दूँगी उन्हें। और ये सब्जी का रेसिपी मैंने पहले भी डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो। तो ये सब्जी मैं थोड़ी सी मतलब उनके लिए बना के उन्हें खिला के भेज दूँगी, फिर सबके लिए फिर से सब्जी बनाऊँगी, सबके लिए मतलब मछली वगैरह लाने से मतलब मैं ससुर सास और मेरे जो दो मतलब भांजा है और भतीजी वगैरह आते रहते हैं उन लोगों को भी खाने के लिए कहा है मैंने, तो मछली लाया है। तो ज़्यादातर मैं आप लोगों को उन्हें उन लोगों को अभी नहीं दिखाती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उन लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो मैं खाना इधर से सब्जी बना रही हूँ, इधर से मेरे पतिदेव आ गए हैं नहा धो के, और ये जो मेरी देवरानी का छोटा मोटा ये भी कम नहीं है, मतलब ये भी हमेशा इधर ही भटकता रहता है, और दो तो बड़ा बड़ा जेठानी का बेटा बेटी है वो लोग भी यहाँ आते रहते हैं, और ये तो छोटा चेतन ये तो हमेशा ये मतलब पास ही में रहता है, एक ही आंगन में हम लोग दो जेठानी देवरानी रहते हैं, मैं और मेरे छोटे देवरानी, तो उसका ही ये बच्चा है जो, तो इससे हम लोग बहुत ही प्यार करते हैं, और इसे देखिए कैसे अपना बड़े पापा को क्या क्या कह रहा है, मतलब इसे बात करना नहीं आता है, उसकी अंग्रेजी भाषा है शायद, उसकी भाषा हम लोग नहीं समझते, और हमें बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ। तो खाना खा रहे हैं, और इधर से मैं मतलब पतिदेव खाना खा के जा चुके हैं, वो मतलब ये हल्का फुल्का जैसा खा के गए ऐसे, क्योंकि वो 12 बजे मतलब अभी तो दोस्तों फ़िलहाल 10:30 या 11 ऐसे ही बजा होगा, मैं किचन में हूँ और मोबाइल से मतलब कैमरा ऑन किया हुआ है इसीलिए मैं टाइम नहीं देख पा रही हूँ, और टाइम देखने का मतलब वो रहता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता, तो इसीलिए मेरे पतिदेव खा के जा चुके हैं, फिर से और एक बार आएंगे खाने के लिए 2 या 3 बजे। तो अभी मैं लंच के लिए सासू माँ के लिए और बच्चों के लिए और मेरे लिए सबके लिए सब्जी वगैरह बना रही हूँ, इधर से मेरी सासू माँ आके गर्म पानी मांग रहे हैं थोड़ी सी, मतलब उन्हें गर्म पानी चाहिए बोला, तो मैं गर्म पानी थोड़ी सी दे दी पीने के लिए मांगा है, और इधर से मैं सब्जी वगैरह बना ले रही हूँ और लंच के लिए।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या बताओ, मतलब सांस लेने की टाइम नहीं मिलती जैसा लगता है। ऐसे भी सर्दी का मौसम है कि कितना जल्द टाइम चला जाता है कि क्या बताओ। सुबह उठते ही इतना काम पे लग जाती हूँ कि जब तक सो ही रहती हूँ तब तक ठीक है, सो के उठने के बाद शाम तक मतलब ऐसा मतलब सांस ही नहीं ले पाती हूँ, ऐसा काम करना पड़ता है। और इधर से देखिए मिट्टी का चूल्हा में खाना पकाने के लिए डिबिया भी बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसीलिए मैंने डिबिया को भी थोड़ी सी पोंछ ली है। और इधर घर तो गंदा हो ही गया है, और ये लकड़ी वगैरह जो खाना बनाने का बच गया तो मैं इसे निकाल के बाहर रख दे रही हूँ। और सब्जी नमाते न मतलब होते होते मैं घर की भी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इधर से लकड़ी इधर से सब्जी वगैरह काटना इधर से ये करना वो करना ऐसे में मतलब किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इधर से मैंने सब्जी अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट, तो सब्जी हो रही है इधर से, और इधर से मैं किचन का सफाई करने लग चुकी हूँ। और खाना पकाते पकाते जो थोड़ी सी बर्तन निकली थी गंदी ये भी निकाल ली धोने के लिए। पहले मैं घर का झाड़ू लगा लूँगी, फिर बर्तन वगैरह धो के फिर जो कपड़ा सूख गया था सुखाया था मैंने, तो सुबह सुबह ही 8 बजे तरफ ही कपड़ा धोने लग गई थी मैं, तो धोते धोते तो 9 बज गया था। तो कपड़ा लगभग अभी सूख गया है, अभी लगभग मतलब एक या दो बज चुका है, तो एक या दो नहीं 12 जैसा बजा है। जो पतला हल्का पतला कपड़ा होता है ना वो सब मैं शायद वो सब सूख गया है, तो वही सब मैं ले आ रही हूँ। जैसे ये मेरा पेटीकोट साड़ी वगैरह और ये मसूरदानी, ये सब तो हल्का पतला कपड़ा होता है ना, और 9 बजे तरफ 8 बजे तरफ धोई थी इसीलिए ये सब सूख गया है दोस्तों। तो ये सब मैं अभी ले जा रही हूँ घर पर। और मतलब ब्लैंकेट का जो कवर था ना वो सब थोड़ी थोड़ी भीगा था, तो ये वो सब मैंने नहीं लाई। और इधर कपड़ा वगैरह लाते लाते ये लोग कह रहे हैं कि मामी मुझे खाना दे दो भूख लगा है, तो इन्हें भी मैंने खाना दे दी है। और मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, मेरे पति देव आएंगे तभी एक ही साथ बैठ के खाना खा लेंगे। तो इधर से मैं मेरे पति देव आते आते मैं मतलब क्या करूँ, तो ये जो कपड़ा हल्का पतला था ये सब सूख गया था, ये सब मैं मतलब करके आलना में रख दे रही हूँ इसे सजा के वगैरह के अभी जो भी बोले। और इधर से देखिए छोटा चेतन इधर से ये वो फेंक रहा है, तो इसे मैं मोबाइल चार्जर का वेयर दे दी है, उसे लेके बैठ के खेल रहा है। मतलब ऐसा उससे कुछ एक मिल जाए तो बैठ के उसे लेके खेलते रहता है। और इधर से मैं कपड़ा वगैरह ये कर रहा हूँ, इसकी माँ शायद काम कर रही है, और इसे मेरे पास ज़्यादातर मेरे पास ही छोड़ के रखता है इसे, और ये मतलब इसे ले लेके मुझे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए ये सब फेंक रहा है, मैं उठा उठा के दे रही हूँ, जितना मतलब इसे जितना बार उठा के दूँ इतना बार वो फेंकती रहता है, तो उसे मैं उठा के दी, वो खेल रहा है इससे। और इधर से मैं कपड़ा वगैरह ठीक कर ली हूँ, और ये सब ब्लैंकेट में धूप से ले आई हूँ, गर्मा गर्म है पूरा। और इधर से मैं अब बिस्तर, वो जो बाकी का जो था ना वो दो पिलो और ब्लैंकेट ये मतलब मैं कुछ दिन पहले धोई थी इसीलिए ये सब मैं आज नहीं धोई, और जो मैंने नहीं धोया था कुछ दिन पहले वो आज मैंने निकल के धो दी है। मतलब इसकी कवर में पहले ही धो दी थी इसलिए आज को नहीं धोई। तो अब मैं अपना बिस्तर भी ठीक कर ले रही हूँ, और यहाँ में अंधेरा होता है इसलिए मैंने लाइट जला ली है, क्योंकि अंधेरा में वीडियो तो होता नहीं अच्छा इसीलिए। तो मैं बिस्तर वगैरह अच्छा से वो कर रही हूँ, करने के बाद अच्छा से अभी ये करने की बात ही मेरा मतलब थोड़ा सांस लेने का समय मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरा तो वीडियो एडिटिंग करने का भी वक्त नहीं मिलता है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो वीडियो एडिटिंग करते करते और मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, ज़्यादा अच्छा से आता नहीं मुझे। और वीडियो एडिटिंग करते करते मतलब
शाम हो जाती है और अपलोड करते करते कोई भी दिखता नहीं, मेरा व्यूज़ भी आता नहीं और सब्सक्राइबर भी बढ़ता नहीं और कुछ भी अच्छा होता नहीं मेरा लाइफ में। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को। और ये दो ब्लैंकेट का कवर मैंने धो के रखा है, वो तो सूखा नहीं है अभी, तो वो शाम को सूखने की बात लगा दूँगी। तो दोस्तों मैं फाइनली आ गई हूँ अभी रात को, रात की मतलब बीच में मैंने आराम की, थोड़ी वीडियो एडिटिंग वगैरह की, तो आप लोगों के साथ नहीं आ पाई। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मटर। मटर बना के आज एकदम गली में जैसा स्ट्रीट फूड बनाते हैं गली के मटर, वैसा ही मतलब बनाने का, खाने का मन है। तो गली में तो जा नहीं पाती हूँ, मतलब मार्केट में तो खा पाती भी नहीं हूँ, और गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, इसीलिए मैं आज ये मटर घर में ही बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैंने मटर बैठा दी है थोड़ी पानी में, हल्दी नहीं दी है अभी, अभी फ़िलहाल नमक डाल के मैंने इसे बैठा दी है अभी, उसके बाद इधर से चावल भी बैठा दी है दोस्तों। और ये देखिए एक कपड़ा जो गैस की टेबल में लगाने के लिए लाया है मेरे पति देव एप्पल वाला। और इधर से देखिए मेरा मटर बन चुका है, और मटर मैं निकाल रही हूँ, और मटर बनने से पहले मैं इधर से धनिया, हरा मिर्च और प्याज वगैरह काट के रखी थी। तो बोला ना आप लोगों को आज बिल्कुल गली की जैसे मतलब स्ट्रीट फूड होता है ना, इसी स्वाद में खाने वाली हूँ। और हरी मिर्च प्याज धनिया वगैरह डाल दी है, अब चम्मच लेके खाने वाली हूँ। बहुत ही आप लोगों को मतलब बता नहीं सकती, मैं ये वीडियो आज एडिटिंग कर रही हूँ लेकिन मैं ये कल रात को ही बना के खाई हूँ, बहुत ही टेस्टी हुई थी। और अब बोलते बोलते भी मेरा मुंह में पानी आ गया है। और इधर से देखिए मेरे पतिदेव खाना खा रहे हैं और मैं इधर से मटर खा रही हूँ, वो पहले ही मटर खा चुके हैं। और फिर मैं खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह किचन साफ करते करते आके देख रही हूँ कि मेरे पतिदेव ही ब्लैंकेट की कवर लगा रहे हैं। वाह वाह, मेरे पतिदेव के लिए एक सलाम और आप सभी को गुड नाइट, कल की फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। बाय।